हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि जॉर्जेट की साड़ी की केयर कैसे करें। वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो बिगनर्स है उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है कि हम जॉर्जेट की साड़ी की केयर कैसे करें, सिफॉन की साड़ी की केयर कैसे करें, कॉटन की साड़ी की केयर कैसे करें। सिफॉन साड़ी का वीडियो तो मैंने शेयर किया हुआ है, आगे मैं कॉटन साड़ी का भी शेयर करूंगी, सिल्क साड़ी का भी करूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। जॉर्जेट की नॉर्मल साड़ियों को धोने के लिए मैं डिटर्जेंट का इस्तेमाल करती हूँ, और हेवी साड़ियों को मैं इजी में धोती हूँ, और इसको मैं घोल में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, बस डाल के और निकाल लेती हूँ, और मॉर्निंग के टाइम में कम धूप में ही इसको सुखा लेती हूँ। थोड़े बहुत धूप लगने चाहिए कपड़ों में, लेकिन बहुत तेज़ धूप नहीं लगाना चाहिए, इससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से धो के और इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद अब बारी आती है प्रेस करने की। जैसे ये मेरी नॉर्मल साड़ी है, तो इसको मैं खुद से ही प्रेस कर लूँगी, और जॉर्जेट में जो थोड़ी हेवी होती है, कॉस्टली होती है, उसको मैं पॉलिश करवा लेती हूँ, क्योंकि वैसी साड़ियों पर प्रेस नहीं हो पाती है। प्रेस करने के बाद अब बारी आती है साड़ी को फोल्ड करने की। तो यहाँ पर मैं साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। साड़ी को अगर आप सही तरीके से फोल्ड करेंगे, तभी आप इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं अपनी साड़ियों को ओपन नहीं रखती हूँ, यानी कि हैंगर में हैंग करके नहीं रखती हूँ, मैं इसको ऑर्गेनाइजर में ही रखती हूँ, या फिर पॉली बैग या थैले में रखती हूँ। तो अभी मैं इसको फोल्ड करके और ऑर्गेनाइजर में रख के फिर रख दूँगी। जो लोग हमेशा साड़ी पहनते हैं, वो लोग तो हैंगर में हैंग करके रखते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग साल में एक दो बार साड़ी पहनते हैं, तो फिर अगर हैंगर में हैंग करके रखेंगे तो साड़ियाँ ख़राब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मैं साड़ी को हैंग करके या फिर ओपन नहीं रखती हूँ, ऑर्गेनाइजर में ही रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी जॉर्जेट की साड़ी की केयर करती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पे और भी कोई वीडियो देखना हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।